एक मुद्दा, बल का प्रयोग, कब तक खेल पाओगे उसके दम पे? बल का प्रयोग, बल का प्रयोग, बल का प्रयोग। हर एक कंटेंडर से आपने एक ही मुद्दे पर बात करी। ठीक है, यहां पर संचालन जो है बायस निकला, लेकिन बाद में जब वही संचालन आपके अगेंस्ट निकला तो आपको मिर्ची क्यों लग गई? आज के एपिसोड में जहां पर हमें पता चलता है कि सभी कंटेंडर्स घर से बेघर उनके लिए नॉमिनेट हुए हैं, एक्सेप्ट, मतलब मैं नॉन वीआईपीज की बात कर रहा हूं, एक्सेप्ट राजीव अदातिया, वहीं साथ ही साथ रश्मि देसाई और डेबोलिना में वो जो फूट है वो डलनी शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत डेबोलिना से हुई है। क्यों रश्मि भेड़चाल का हिस्सा बने, क्यों? सबसे बड़ा सवाल उठता है। यहां पर कहना चाहता हूं दोस्तों कि राजीव ने जिस तरीके से आज डिबेट करी, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बंदा फाड़ दिखा, मतलब ऐसा दिखा जैसे कि इस हफ्ते तो भैया इसने धमाल मचाना ही मचाना है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में जहां पर हम देवो की चिड़चिड़ की बातें करेंगे, साथ ही साथ प्रतीक सहजपाल को जो बुरी लग गई बातें उसकी भी बात करेंगे। रश्मि देसाई के गेम को लेकर उमर रियाज थोड़ी सी अब ऐसा लग रहा है कि चीजें कर रहा है, वहीं राखी सावंत के उस पूरे ड्रामे के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में राखी ने मुद्दा बना दिया। आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर फॉलो जरूर करें। कोई शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है, या फिर किसी तरीके से आप जो है यू नो अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आज जब हम देखते हैं तो प्रतीक सहजपाल सामने खड़े हैं रश्मि देसाई के, और उनके बगल में है अपने करण कुंद्रा। ठीक है, यहां पर मुझे एक बात कहनी है, और वो ये बात है कि जिस हिसाब से बैक टू बैक संचालन चल रहा था, जो कि फर्जी 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 कह रहे थे, उस हिसाब की अगर बात करें तो अभी क्यों प्रतीक सहजपाल ने यहां पर रश्मि के लिए इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया? समझ रहे हैं आप? वो पोर्शन नहीं दिखाया जब उसने रश्मि के लिए कही है बात कि जब आपके ऊपर हिंसा होगी ना तब आपको पता चलेगा, पूरी तरीके से एडिट कर दिया गया है वो पूरा मुद्दा। रश्मि देसाई ने दोस्तों बहुत शानदार, बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट तरीके से सारी कॉन्वर्सेशन सुनी, दोनों को बराबर मौका दिया, राइट। करण कुंद्रा का एक पॉइंट मुझे कहना है कि बंदे ने ये बात एक्सेप्ट करी है कि मैंने गलती करी है, तो गलती की मुझे माफी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ मैंने सुधार भी किया है। प्रतीक सेम उसी बात को बार 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 बोलते हुए नजर आते हैं, और सबसे पहले एक्चुअली में रश्मि के मन में होगा भी नहीं, लेकिन प्रतीक जिस तरीके से आर्ग्यू कर रहा था, बैक टू बैक जो चीजें बोल रहा था, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों उसकी वजह से रश्मि और भी ज्यादा चिढ़ गए, और इस वजह से रश्मि देसाई ने प्रतीक को घर से बेघर उनके लिए नॉमिनेट कर दिया। यहां पर ये घर वाले अपनी अलग ही गणित बिठा रहे थे, स्पेशली नॉन वीआईपीज, जो कि कहते कि रश्मि को लास्ट जाना चाहिए था। अगर रश्मि लास्ट जाती, मान लो अगर वहां पे करण कुंद्रा नहीं होते या कोई और होता, तो क्या पता रश्मि प्रतीक को ही जिता देती, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि वो कुछ भी कर रही है। अकॉर्डिंग टू देवो को इतनी मिर्ची क्यों लगी? क्यों? क्योंकि भैया प्रतीक जो उसका खास दोस्त बन गया है, इसके चलते, क्योंकि प्रतीक को आउट किया, देवो को मिर्ची लगनी लाजमी है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डेबोलिना भट्टाचार्य जी और प्रतीक के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड डेवलप हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये बॉन्ड नेहा के जैसा बॉन्ड ना डेवलप हो जाए, बट ठीक है, दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप हो रहा है, और ये हमने जो लाइव फीड चलती है ना उसमें देखा है। मैंने इनफैक्ट आपको सारी बातें बताई हैं, अगर आपने नहीं देखी होंगी तो वो जरूर देखिएगा। डेबोलिना इस चक्कर में, भाई आपकी दोस्त है, पीठ पीछे आप जो है उन लोगों को, मतलब कि जो चार लोग बैठे हुए हैं, जो वीआईपी वाले चार हैं, उनको आप अगेंस्ट कर रही हैं रश्मि के, ये कहां का सेंसिबल नेचर है बताओ? माफी चाहूंगा, ये कहां का नेचर है? राखी सावंत कहती है कि वो मोहरा बनाती है। रश्मि देसाई यहां पर, जिस आप अगर बाहर से अपने फेवरेट बनाकर आए हो, आप प्रतीक को अगर सपोर्ट कर रहे हो, और अगर रश्मि प्रतीक को सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसमें रश्मि गलत कहां से है मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं रश्मि गलत कहां से है।
हर किसी की पर्सनल इंडिविजुअलिटी होती है, हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है, तो कम से कम इस बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और डेबोलिना तो बहुत ज्यादा जजमेंट कर रही हैं, इनको तो तब पता चलेगा जब ये नॉन वीआईपी अब डिसॉल्व हो चुका है, वीआईपी और नॉन वीआईपी ये दोनों चीजें डिसॉल्व हो चुकी हैं, ये लोग घर के मेंबर हैं, अब पता चलेगा। डेबोलिना जो डेबोलिना जो भी है, आपको क्या लगता है नाम मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो एक्चुअल नाम क्या है उनका, डेबोलिना या डेबोलिना तो कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर मुझे बताओ कि उनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, क्यों? क्योंकि प्रतीक को सिर्फ और सिर्फ बाहर निकाल दिया इस वजह से, और बाकी के घर वालों को भी आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। रितेश यहां पर दोस्तों करण कुंद्रा का साथ निभाते हुए नजर आए थे, अगर आपने नोटिस किया होगा। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी है, राखी को वो फोर्स नहीं कर सकते, राखी को जो डिसाइड करना है वो करना ही है। राखी ने कहीं ना कहीं बचाना था राजीव वदातिया को, ऑफकोर्स राजीव इज अ गुड एंटरटेनर, बट इस हफ्ते हो सकता है कि निशांत का गेम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, निशांत जा सकता है, स्ट्रांग प्लेयर है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि बिग बॉस जो है, अब तो नॉन वीआईपी जो है वो भी डिसॉल्व हो चुका है, वीआईपी डिसॉल्व हो चुका है, तो हो सकता है उनके खिलाड़ियों को लेकर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो जब अंदर पूछताछ कर रही होती है राखी राजीव और करण से, तब डेबो और रश्मि आपस में बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि डेबो फिर सामने सामने स्वीट क्यों बोलती है, ऐसे ऐसे भोली क्यों बनने की कोशिश कर रही थी, राइट? जब आपकी इतनी जुबान चल रही है रश्मि के अगेंस्ट, तो भाई आपको क्यों इस तरीके से, मतलब आपसे बेहतर, आप दोस्त से बेहतर तो दुश्मन से ही, वो दुश्मन जो कि रश्मि ने बनाए थे बिग बॉस सीजन 13 में या बिग बॉस के इस सीजन में, राइट? अब दोस्तों यहां पर राखी और रितेश आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं बगावत की बू आ रही है। राखी कहती है तुम मुझसे बात मत करो, मेरा मन करता है, मैं जिसको मन करूंगी उसको डिसाइड करूंगी। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई है कि कुछ चीजें ये जो है इस बार की राखी के पति की, ये बाहर ऑलरेडी मुद्दा उठ चुका है कि ये पति फेक है और वन ऑफ द कैमरामैन है, और इनसाइडर्स ने ही ये बात रिवील करी है, ठीक है, बिग बॉस के ही वो कैमरा पर्सन है। तो यहां पर राखी सावंत का ये जो मुद्दा आज उठा कि पति वो है, पति वो है, उस समय जिस समय बिचुकले वाला मजाक चल रहा था, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि राखी उछल उछल कर इंजॉय कर रही थी। राखी को, रितेश को, दोनों को अच्छा लग रहा था, वाह 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 वाह। बाद में उनको लगा कि अये मुद्दा तो रह गया, मुद्दा क्लिक नहीं हुआ, और उसके बाद उन्होंने इस बात को मुद्दा बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हुआ है, आप लोगों को बता दूं ऐसा ही हुआ है। अच्छा खासा खेल रहे थे वो, लेकिन मुद्दा मुद्दा तो चाहिए, और अगले दिन वो मुद्दा आ गया। आप लोग अगर यहां पे नोटिस करेंगे तो जब रश्मि ने बोल दिया प्रतीक को, प्रतीक ने बाहर कितना लड़ाई करी, बाकी के कंटेस्टेंट्स क्या लड़ रहे थे उन लोगों से कि आपने हमको क्यों नहीं किया। राखी सावंत इतनी अच्छी दोस्त है करण कुंद्रा की, करण चाहता तो लड़ सकता था, लेकिन क्या वो लड़ा? नहीं लड़ा। दिस इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी, दिस इज कॉल्ड अकल, ना कि अकड़। अकड़ वो होती है जहां पर आप गलत भी होते हैं फिर भी आप अकड़े रहते हैं और बार बार बहस 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 बोलते रहते हैं, विच इज वेरी बैड, विच इज वेरी रॉन्ग, एंड आई रियली डोंट लाइक इट। प्रतीक सहजपाल का यहां पर बार बार लड़ना वो एकदम सरासर गलत था। क्यों आप जब देवो ने आपको सपोर्ट किया या फिर अभिजीत बिचुकले ने जब आपके कान में कल ये बात बोली थी कि मैं आ रहा हूं करके तुम्ही को ही मिलेगा, और प्लस इसके उसको ये बात पता थी कि जो कि निशांत बोलते हुए नजर आया था कि तुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो क्यों यहां पर उसने आवाज नहीं उठाई कि नहीं मैं खुद से जीतूंगा और मुझे किसी के सपोर्ट नहीं चाहिए? क्यों उसने ये बात नहीं बोली? क्यों देवो को ये बात नहीं बोली? क्यों यहां पर उसने इसको बात नहीं बोली, क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, देवो और उसके बाद कौन आए थे, अभिजीत बिचुकले, हाँ इनको क्यों नहीं बात बोली है? इनको भी बोलते तो कुछ तो कम से कम पड़ता। तो दोस्तों यहां पर ये बात समझनी चाहिए कि अकड़ किसमें है और अकल किसमें है, ये बात समझ लीजिए। दोस्तों यहां पर उमर रियाज अब रश्मि को डिकोड करते हुए नजर आए हैं। एक्चुअल में मैं यही कहना चाहूंगा कि उमर के गेम के लिए रश्मि बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, रश्मि बकायदा उसका गेम और भी ज्यादा खराब कर देगी, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे में रश्मि देसाई जिस तरीके से खेल रही है वो खराब कर देगी गेम उमर का,
और उमर रियाज जो कि अच्छा खासा प्लेयर बनकर आ रहा था वो नहीं जाएगा अगर वो उमरेश के चक्कर में पड़ गया। यहां पर वो लोग वो और करण बैठकर बातचीत कर रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई रश्मि क्या कर दिया, रश्मि भी है ना कुछ भी अपने मन से कर रही है। मैं कहना चाहूंगा रश्मि ने अपने मन से नहीं किया, उसने बस दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। और कल के दिन आप लोग देख लेंगे जहां पे करण, तेजू और रश्मि प्लस उमर ये लोगों का एक अलग ग्रुप डेवलप हो रहा है। रश्मि आई तो थी वीआईपी वालों के साथ लेकिन रश्मि ने तुरंत स्लिप मार दी और वो जो है इनके पास आ गए और ये बात हमने देखी है, बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से देखी है। ओके, अब यहां पर दोस्तों आपको बता दूं उमर रश्मि के गेम को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है बट उसे समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली राजीव सेव होता है और 6 के 6 लोग जो हैं यानी कि प्रतीक, निशांत, उमर, शमिता, तेजू, करण ये लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं। कौन निकलेगा बाहर कौन नहीं निकलेगा ये बात डेफिनेटली बता दूंगा मैं आपको और प्लस लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि कल से बेसिकली शुरू होंगे। अब दोस्तों यहां पर अगर आपने देखा होगा देवलीना ने कहीं ना कहीं रश्मि को पकड़ लिया है कि ये लोग ये जो है उसके साथ उन लोगों के साथ उस ग्रुप के साथ दोस्ती बना रही है, तो मैं एक काम करती हूँ प्रतीक लोगों के साथ दोस्ती बनाती हूँ, प्रतीक, वीरा, राखी और इन लोगों से। राखी के साथ तो ऑलरेडी देवो ने अच्छी बना ली थी सीजन 14 में अगर आपको याद होगा तो, राइट। और ये दोनों ने मिलकर रूबीना के अगेंस्ट बहुत सारी बातें कही थी, गाली गुप्तार किया था लेकिन अल्टीमेटली रूबीना जो जीती उसने इनको करारा जवाब ऐसे ही दे दिया। ओके, अब दोस्तों यहां पर ये वाला मुद्दा उठता है बिचुकले जो मजाक कर रहे थे बिचुकले का। यार देखो बिचुकले का ऑलरेडी ये है, सलमान साहब ने बोला है कि उनकी हिंदी जो है खराब है और उनकी हिंदी जो है ढंग से नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। राखी और रितेश समझ तो रहे थे लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि अरे ये तो मुद्दा है तो चलो लेट्स डू इट, मुद्दा उठाएंग और ग्लोरीफाइंग हुईंग। और ये लोग यही करते हैं, मुद्दा उठाते हैं ग्लोरीफाई करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों तो शमिता शेट्टी ने आज किचन में एक मुद्दा उठाया था, ठीक है। उसने बोला कि तुझे पता है क्या बोल रहा था वो, मतलब ऐसी बात बोली, राइट, कि बिचुकला ऐसा बोल रहा था कि भाड़े का पति भाड़े का पति। राखी तो भूल भी गई थी लेकिन राखी ने कहा कि हाँ अब सबके साथ पहुंच गया ये, अब मैं तुरंत चार्ज करती हूं। एंड शी लिटरली यू नो चार्ज दैट थिंग। हमें फनी लगा, हिलेरियस लगा बट कहीं ना कहीं वो ओवर द टॉप था। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि राखी सावंत जस्ट क्रिएट कर रही थी वो, मतलब यू नो वो मजा नहीं था जो राखी सावंत में आता है, वो बस बना रही थी उस चीज को और कुछ नहीं। ये मुद्दा उतना बड़ा भी नहीं था, भाड़े का वाड़े का ये जो था ये सब गलत था, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने प्रतीक को नोटिस किया होगा, प्रतीक समझाने के लिए आया अभिजीत बिचुकले को, आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई रियली लाइक दैट। बट उस समय उसने शमिता शेट्टी से ये बातें सुनी कि बॉलीवुड तो मेरी जेब में है, मेरी मुट्ठी में वाली, वो उस पॉइंट को लेकर अभिजीत बिचुकले पर चढ़ने आया था। लेकिन जब उसने सुना कि राखी का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और राखी का तूल मिल रहा है, अगर मैं ये बात कहूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी तूल मिलेगा, एंड ही डज दैट, उसने उसी वक्त मुद्दा बदला है, उसने तुरंत मुद्दा बदल दिया और उसने तुरंत उस मुद्दे को पकड़ लिया जो कि राखी का मुद्दा था। कि आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो, मुझे लिटरली हंसी आई। फिर उसके बाद वो लिशियस का कंपटीशन आ गया था और फिर उसके बाद अगले दिन, अब कल, हाँ, टिकट टू फिनाले। बता दूं आपको ऑलरेडी राखी सावंत जीत चुकी है टिकट टू फिनाले और राखी सावंत पहुंच चुकी है टिकट टू फिनाले लेकर ऊपर तक पहुंच चुकी है, राइट, मतलब कि फिनाले राउंड में पहुंच चुकी है। वीरा यानी कि अपने निशांत ने जो है लास्ट रश्मि को आउट किया था और थर्ड राउंड में उसको मौका मिला था और उसने रश्मि को आउट कर दिया था। दोस्तों कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आज हमने देखा कि देवो और रश्मि में जो है एक फूट पड़ते हुए नजर आई। कल हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे कि देवो और रश्मि जो है आपस में लड़ाई कर रही हैं। प्रतीक सहजपाल देवो को कन्फ्रंट कर रहा है, उसकी तरफ अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि देवो और उसकी एक अलग बॉन्डिंग भी शुरू हो गई है। प्रतीक का गेम, समझ रहे हैं आप, जहां देखी नारी वहां पे यू नो वो क्या, जहां देखी कुड़ी वहां पे बांधी पुड़ी। प्रतीक का ऐसे ही है, ओटीटी में ऐसा किया नेहा, यहाँ पे आकाशा सिंह, फिर उसके बाद दोबारा से नेहा, फिर उसके बाद अब देवो, अब उसको देवो के साथ खेलना है। उमर रियाज और प्रतीक के बीच में झगड़ा हुआ है जहां पे उसने बोला मैं लोन वॉरियर हूं, ठीक है।
जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ पांच लोगों के साथ बैठ के खेलता है और बोलता है मैं लोन वॉरियर हूं। ये कैसा लोन वॉरियर है? ठीक है भाई, मान ले बात, तू लोन वॉरियर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों टॉयलेट गंदे वाला जो मुद्दा उठाया, बिचुकले को समझाया, प्रतीक ने समझाया, मुझे अच्छा लगा, उमर ने समझाया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभिजीत बिचुकले उस बात को रेडी, मतलब मानने के लिए तैयार ही नहीं। राखी सावंत में अभी वो हेट नहीं निकला है, जो हेट उसका निकला था रुबीना और अभिनव पे सीजन 14 में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभिजीत बिचुकले कुछ दिनों के ही मेहमान है घर के अंदर, फिर तो वो आउट हो ही जाएंगे क्योंकि पड़े रहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा इसके पीछे पड़ो उसके पीछे पड़ो के उनका टारगेट शमिता जी बन गई है। ठीक है, शमिता जी के सामने राजीव और प्रतीक भिड़ते हैं। आज तो भैया राजीव ने बोल दिया कि मैं नॉनसेंस नहीं लूंगा, नो नॉनसेंस बॉय, कोई भी हो, किसी का भी हो, मैं सबको जवाब दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा राजीव का, जिस तरीके से आज उसने निशांत कौर करण के सामने जो है एकदम बैक टू बैक किया, हाँ जानता ऐसी जानता वैसी, मुझे रियली अच्छा लगा। उसके अलावा दोस्तों आज ज्यादा मुद्दे नहीं थे, सो आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं। चाहे तो सोशल मीडिया पे मुझे ज्वाइन करके भी बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे राहुल भोज नाम है, चलता हूं, इजाजत दो मुझे।